इनको क्या लगता है कि वो ये कर कर अपने धर्म का नाम रोशन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उस पर अपना कर रहे हैं और पूरी इंसानियत का नाम बदनाम कर रहे हैं। बताइए, ये लोग भूल गए कि हम वही है लेकर अब तो देश के लिए उतना ही खून पसीना बहा है जितना के बाकी सबने बहा है। बताइए, आज जो हमारे साथ ना इंसाफ की जा रही हो कि साकमर की जा रही है, कहा हमारी सरकार को हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आज मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का बड़ा योगदान दिया है, देश को तरक्की तक पाया है। क्या ये लोग उनकी तरक्की उनकी मेहनत को भूल गए क्या? तो मुसलमान के नाम पर मुसलमान को मारा जा रहा है, बताइए। लेकिन हमें इंसाफ नहीं आए, हम लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है और मॉब लिंचिंग पर भी कोई कानून नहीं बना है। अपने प्रधानमंत्री जी से विनती करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, गुजारिश कि वो मॉब लिंचिंग पर मांगे है उस पर सुने और मॉब लिंचिंग पर जो दुर्घटना है हो रही है उस पर जरा कानून बने। क्या वो लोग हजारों लाखों लोगों को देखना चाहती है क्या? और घूमने और नाचे देखना चाहती है क्या? बताइए बताइए, कहा इंसाफ? आज हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री को मैं कहती हूँ कि ये जो चीजें हो रही है इसी में आपके ही सर के लोग शामिल है, आप ही के सर परिवार के। इसीलिए प्रधानमंत्री को ही कहती हूँ क्या ऐसा कानून बनाइए कि उन्हें पति पर चढ़ा दीजिए, वो परिवार को इंसाफ मिल जाएगा, उनके आंसू मिल जाएंगे, खबर मिल जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी कि ये जो मेगा थे उनको फांसी हो गई।